ये ऐसा करिए गाड़ी नंबर ना रीवा जा रहे थे रास्ते को रोक ना सकता ये ऐसा करिए गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर ना जा रहे थे रीवा जा रहे थे इनको रास्ते को रोक ना सकता मैं 108 अनूपपुर में टेक्नीशियन हूँ। एम्बुलेंस में 2014 से ड्यूटी कर रहा हूँ वहीं जिला अस्पताल में अनूपपुर में। मेरे को बोला गया 18 तारीख को कि आपका ट्रांसफर डिंडोरी हो गया है जिलाधिकारी के माध्यम से और आपको जाना है डिंडोरी। जिलाधिकारी ने बताया, हमने बोला कि भैया मुझे जिला डिंडोरी नहीं जाना है, मैं घर चला जाऊँ। इसके बाद हम कल की डेट पर हम जा रहे थे घर, तो मुझे फ़ोन किया गया, रोका गया, बोला गया कि अभी मत जाओ, दो दिन बाद चले जाना। इसके बाद हम जब बोले कि नहीं सर बोले, मैं बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ घर चला जाऊँगा, मुझे क्या करना है, जब मेरा यहाँ ड्यूटी नहीं है तो मेरे को रुकने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मैं निकल रहा था तो मैं शाम को मेरा दोस्त है यहाँ शहडोल में, तो हम अपने दोस्त को फ़ोन किए। इसके बाद वो कहाँ से पता किए कि ये कहाँ है, क्या है आशीष तिवारी, कौन से स्थान पर है। और इसके बाद हमको लेके आए और बोले कि नहीं तुम चलो अपन चलते हैं अनूपपुर ड्यूटी करना। और इसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे, खूब मारे मेरे को और बहुत मारे हैं। कौन रहा मारने में? राहुल तिवारी मारे हैं। ये कौन है राहुल तिवारी? कौन राहुल तिवारी? 108 का जिला अधिकारी है अनूपपुर का। अच्छा, इन्होंने मारा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैं 108 एम्बुलेंस में टेक्नीशियन के तौर पर 6 साल से वही अनूपपुर में ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं घर आ रहा था, यही पूरा घर डिंडोरी जा रहे थे आप? नहीं, मैं रीवा निकल रहा। रीवा निकल रहे थे? हाँ। तो ये कितने बजे घटना है? ये शाम रात में 9 बजे की घटना है। रात में 9 बजे कहाँ? अस्पताल में? नहीं, यही शहडोल। शहडोल में? शहडोल में कहाँ पास? ये बघेल ढाबा से थोड़ा सा पास जो निकली की एजेंसी के बगल से। जी, फिर उसके बाद वहीं आप पड़े रहे? हाँ, फिर दोस्त को फोन किए तो लेके आए, ये थोड़ा सा मलहम पट्टी लगाए और अब यही ये सब चल रहा है।